नमस्कार, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल सिविल लर्नर्स पे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का होस्ट मिस्टर संजीत राउत। तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात किया था जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जो स्टोन का जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करने वाले, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों नेपाल में होने वाले लोक सेवा का एग्जाम में आप लोगों से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से, जो आने वाले सवाल होते हैं उस सवाल पे मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आप लोगों से डिस्कस करता रहूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को भी तीन तरीके, जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसको भी तीन तरीके में बांटा गया। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे रॉक्स कहते किसे है उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। वही बात करेंगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कहते किसे है और कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टोन का जो कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके बारे में बात करेंगे, जहां से लोक सेवा का एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन बात करेंगे अब स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फुलेटेड रॉक्स के बारे में। सो गाइज, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हम लोग कहते किसे है दोस्तों? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हम लोग उसे कहेंगे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पिल्ट अलोंग डिस्टेंस लेयर, डिस्टिंक्ट लेयर। दोस्तों इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होता है कहाँ से फॉर्मेशन हुआ होता है उसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का एक कैटेगोरी है दोस्तों। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता था, इसको बनने के लिए थाउजेंड ईयर्स का भी समय लगता है दोस्तों। थाउजेंड ईयर बहुत ज्यादा समय होता है दोस्तों उसमें बनने के लिए लगता है। तो दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक सिंपली हम लोग समझ कैसे सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है उसका लेयर, वन बाय वन लेयर बना होता है और उसमें जो लेयर में जो लाइंस वगैरह होते हैं वो हॉरिजेंटली जैसे और वर्टिकली उसमें दिया गया होता है दोस्तों। और ये वन बाय वन पार्ट पार्ट करके वो कहाँ मिलता है हम लोगों को, अर्थ सरफेस, क्योंकि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होता है कहाँ मिलता है हम लोगों को, उसमें जियोग्राफिकल में आता है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन में आता है। और जियोग्राफिकल का मतलब मैंने आप लोगों से बताया था कि जियोग्राफिकल जो होता है हमारा, जियो मतलब अर्थ सरफेस पे लिया गया। तो अर्थ सरफेस पे लिया गया ये सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एक कैटेगरी जो होता है, कैटेगरी होता है उसमें आता है ये स्ट्रेटिफाइड रॉक्स दोस्तों। वही दोस्तों, इसको आसान तरीके से हम लोग ले सकते हैं, इसका लेयर वगैरह होता है और इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो लोक सेवा के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके का क्वेश्चन जो आता है, जो आप लोगों को दे दिया जाएगा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है किस तरीके की कैटेगोरी में आता है। तो सेडिमेंट्रिक्स यदि आप लोगों को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स दिया गया हो तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स लगाना, यदि आप लोगों को दिया गया कौन सा क्लासिफिकेशन हो तो उसमें क्या आप दोगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन दोगे। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स किसका टाइप्स में आता है तो सेडिमेंट्री टाइप्स, ऐसे आप लोगों से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है लोक सेवा का एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने जान चुका, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि स्ट्रेटिफाइड रॉक हम लोग कहते किसे है। सिंपली आप लोग जैसे ही पिक्चर में देख रहे हो इसका लेयर वगैरह किस तरह से बना हुआ है और इसका जो लाइनिंग वगैरह हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो होता है वो किस तरीके का रॉक्स होता है दोस्तों। ये अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो होता है कांट बी स्पिल्ट इनटू थिन लेयर दोस्तों। इस क्या होता है, जो हमारा जो स्ट्रेटिफाइड रॉक जो था वो थिन लेयर में होता था और उसको इजिली हम स्पिल्ट कर सकते थे दोस्तों, और उसका लाइनिंग वगैरह था हॉरिजॉन्टली वर्टिकल उसमें दिया गया था, मतलब डिवाइड किया जाता है। पर इसमें क्या होता है दोस्तों, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक में जो ये जो आता है ये किस तरीके से कैटेगरी से निकल के आया होता है, आइजेनियस रॉक्स दोस्तों। आइजेनियस रॉक्स का मतलब, जो मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो अपने मतलब हम लोगों के जो लावा जो होता है, जो बड़े बड़े चट्टानों से आके निकलता है जो लावा होता है, ड्यू टू हीट प्रेशर के, ड्यू टू सन जो हीट होता है, सन का हीट जो पड़ता है उस पे, उससे लावा जो निकलता है उसमें से उसका मतलब जम जाता है वहां पर, वो सेट हो जाता है। तो उसमें से उस तरीके का जो रॉक्स वगैरह फॉर्मेशन जो होता है, वो रॉक्स फॉर्मेशन होके कुछ कुछ रॉक्स जो होता है वो
उसका हजारों हजार साल लग के कन्वर्ट हो जाता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आ गया दोस्तों। अब सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ कुछ रॉक्स वगैरह होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में ना आके आइजेनियस रॉक्स का जो कैटेगरी होता है उसमें आ जाता है, तो वो किस तरीके का अनस्ट्रेटिफाइड में आ जाता है दोस्तों, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों का होना, बड़े बड़े चट्टानों का उसमें से आना, बड़े बड़े पत्थरों का वहां रहना। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बड़े बड़े पत्थर जो होता है जो रहता है उस तरीके को रॉक्स को, उस तरीके को स्टोन को हम लोग किस में डालेंगे दोस्तों, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स में बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों आई होप ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका सेंस वगैरह जो होता है डायरेक्टली हर एक किस्म का होगा, हर एक इसका जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका फिजिकल के बारे में देखना, इसका मतलब किस तरीके का शेप और साइज है दोस्तों, ये किस तरीके से हम लोगों का मतलब स्टोन का जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम लोगों का एम जो होता है वो देखना ये होता है कि वो कितना मतलब ड्यूरेबल है ड्यू टू हमारा जो पूरा जो लोड अब लगने वाला है, हमारा कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल है ये स्टोन पे जो लोड लगेगा उसका बियर करने का ड्यूरेबिलिटी कितना है दोस्तों। ये हर एक तरीके का क्लासिफिकेशन में हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल कितना है और किस तरीके का कैटेगरी से ये आता है, किस तरीके से कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों लोक सेवा का एग्जाम जो होता है उसमें खास करके इसी तरीके का क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछता है किस तरीके का कैटेगरी से ये क्वेश्चन रॉक्स बनता है, कैसे आता है, कौन सा क्लासिफिकेशन से ये बनता है, इसी तरीके का क्वेश्चन आप लोग उससे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोलिएटेड रॉक्स। फोलिएटेड रॉक्स क्या होता है, फोलिएटेड रॉक्स जो आता है उसका कैटेगरी क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो मिलके बना होता है आइजेनियस और सेडिमेंटरी रॉक्स। तो जैसे कि दोस्तों सेडिमेंटरी और आइजेनियस रॉक्स जो होता है वो मिलके यदि बना होता है तो इसका भी जो लेयर्स होता है डायरेक्टली हम लोग नहीं ले सकते, इसमें भी कुछ लेयर्स वगैरह होते हैं जिसको हम लोग वन डायरेक्शन में ही हम लोग उसको ले सकते हैं, उसको चट्टान उसका डिवाइड होता है, रॉक से फॉर्मेशन होता है स्टोन का। जैसे कि दोस्तों देख लो टेंडेंसी टू स्प्लिट सर्टेन डायरेक्शन, जो सर्टेन डायरेक्शन है उसमें ही हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों, इसको ले सकते हैं दोस्तों और इसका फॉर्मेशन करा सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि इसका जो लोक सेवा में क्वेश्चन जो आता है कौन कौन सा कैटेगरी से कैसे आप लोगों से पूछ सकता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि स्पेशल स्टोन प्रॉपर्टीज के बारे में कि कौन सा स्टोन कौन सा कैटेगरी और कौन सा स्टोन कौन सा कैटेगरी और कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहा हूँ, जो लोक सेवा के एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ग्रेनाइट जो होता है कौन सा रॉक्स का टाइप है दोस्तों, तो जो ग्रेनाइट जो होता है उसका टाइप होता है इग्नेशियस और इसका नेचर जो होता है हार्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये कलर ग्रे ग्रीन होता है दोस्तों, और इसका यूजेज वगैरह कहाँ करते हैं हम लोग, ब्रिज बनाने में, रोड कंस्ट्रक्ट करने में, हाउस कंस्ट्रक्ट करने में इसका यूज करते हैं ग्रेनाइट का। वही दोस्तों जो पूछा गया है वही सवाल पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, जो आप लोगों से पूछ सकता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। यदि आप लोग अब देखो लाइमस्टोन के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा कैटेगरी में कौन सा क्लासिफिकेशन में आता है दोस्तों, तो लाइम को हम क्या करेंगे, ये सेडिमेंटरी का टाइप है और ये सेडिमेंटरी का टाइप है, तो आप लोगों को वहां पर टिक करना है ये सेडिमेंटरी टाइप में से, सेडिमेंटरी जो होता है उसमें से जो हमारा जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है उसका टाइप है क्या, सेडिमेंटरी रॉक्स, तो सेडिमेंटरी रॉक्स में आता है लाइमस्टोन। वही दोस्तों मार्बल का बात किया जाए तो ये क्या है, मेटामॉर्फिक है दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक है दोस्तों, ये भी क्या आता है, जियोग्राफिकल में ही आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैंडस्टोन के बारे में, स्लेट के बारे में, तो दोस्तों सैंडस्टोन जो होता है सेडिमेंटरी का पार्ट है, सेडिमेंटरी जो रॉक्स है उसका क्लासिफिकेशन है और जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ये तीन बातें आप लोग याद रखना दोस्तों, क्लासिफिकेशन और कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में है और कौन सा क्लासिफिकेशन में, ये याद रखना और उसमें इजीली तरीके से आप लोग टिक कर सकते हो। वही बात करें दोस्तों सेल का, तो ये मेटामॉर्फिक है और इसका जो नेचर वगैरह होता है हर एक स्टोन का, हर एक रॉक का होता है जो सेम तरीका, लगभग सेम तरीके का स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल जो होता है उसी तरीके का होता है, और इसका कलर वगैरह भी डिफरेंट टाइप का कुछ कुछ होता है, और इसका जो काम यूजेज वगैरह है वो हर एक का काम हर एक वर्क में, रोड में, हर एक वर्क में हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए ये था कि हम लोग कुछ कुछ
लोक सेवा का ट्रिकी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। अब बात कर लेते हैं टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में, किस तरीके का टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टोन पे, तब जाके हमारा स्टोन जो हमारा रॉक है वो यूजेबल होता है दोस्तों, यूज में आता है दोस्तों। सिंपली बात किया जाए तो नेपाल में बहुत सारा ऐसा कंपनियां वगैरह है जो रेफर नहीं करता है अच्छे तरीके से, जैसे बाहर किया जाता है कि स्टोन का चेक करना। दोस्तों जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का काम होता है जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको चेक करना, पर यहाँ पर बड़े बड़े कंपनियां जो होते हैं वो कंक्रीट चाहे स्टोन चाहे कुछ भी जो खरीद करता है उसको टेस्ट करवाता करके लेना पसंद करते हैं दोस्तों। उसी के लिए कुछ कुछ जो कंक्रीट का रॉक्स का स्टोन का जो चेक होता है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि कोई कोई सा भी रॉक्स जो होता है उसका ड्यूरेबल कितना है, कितना ड्यूरेबल है, कितना उसका ड्यूरेबिलिटी है, कितना उसका लॉन्ग लाइफ है, उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। यदि हम लोग चेक कर लेंगे तो हम लोग को सिंपली पता चल जाएगा इसका टफनेस है, इसका हार्डनेस है, इसका ड्यूरेबिलिटी कितना है, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों कुछ स्टोन्स का जो चेक होता है टेस्ट होता है उसके बारे में हम लोग। सो गाइज अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में, टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो टेस्ट का उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्टोन का टेस्ट पार्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग जब स्टोन का चेक ही नहीं करेंगे, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको चेक नहीं करेंगे तो कैसे उसको समझ सकते हैं कि ज्यादा ड्यूरेबल है दोस्तों। वही दोस्तों आप लोग उसे पूछ सकता है, पूछेगा कि स्टोन का टेस्ट वगैरह में कौन कौन सा टेस्ट, कौन कौन सा इक्विपमेंट से, कौन कौन सा उसका इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, उसका नाम भी पता आप लोगों को होना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाता है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम लोग टेस्ट ऑफ स्टोन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट। ऑब्जॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है दोस्तों, ये 24 आवर में कितना वाटर अब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है, कितना ये उसको अब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में टेस्ट हम लोग करते हैं अब्जॉर्प्शन टेस्ट स्टोन का। मतलब 24 आवर में कितना पानी वो मतलब उसका अब्जॉर्ब करेगा उसके बारे में टेस्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन टेस्ट में। वही दोस्तों क्रॉसिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, कितना स्टोन का स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम लोग चेक करते हैं स्टोन की बाय द हेल्प ऑफ CTM मशीन, कंप्रेसिव टेस्ट मशीन से हम लोग करते हैं। किसी भी ब्रिक्स का हो, स्टोन का हो, उसका हर एक चीज का स्ट्रेंथ जो है हम लोग चेक करते हैं, किससे क्रशिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं स्ट्रेंथ पता करने के लिए स्टोन का। वही दोस्तों बात करते हैं हार्डनेस टेस्ट जो होता है दोस्तों, हम हार्डनेस ऑफ स्टोन, हमारा स्टोन जो है कितना हार्ड है, मतलब कितना हार्डनेस है हमारा स्टोन, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हार्डनेस टेस्ट करते हैं बाई द यूज ऑफ लॉस एंजलस एब्जॉर्प्शन टेस्ट मशीन। दोस्तों ये लॉस एंजलस एब्जॉर्प्शन टेस्ट मशीन जो होता है उसे हम चेक करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है, हमारा जो स्टोन है वो कितना हार्ड है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट टेस्ट। दोस्तों इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है उस पर हम कितना लोड लगाएंगे, लोड लगाने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टोन पे, उसको हम चेक करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, जो हमारा क्या टेस्ट करके देता है टफनेस, मतलब कितना टफ है हमारा स्टोन। यदि इम्पैक्ट वैल्यू हम लगाएंगे, इम्पैक्ट लगाते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट करेंगे, तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे स्टोन पे, ये टफनेस हम लोगों को चेक करके देता है दोस्तों। तो इस तरीके का जो चेक होता है दोस्तों ये स्टोन के लिए व हर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, इससे कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने मिलेगा दोस्तों। और पिछला वीडियो भी देख लेना है, इसका BCM का जो मैंने सीरीज शुरू किया है उसका ये सेकेंड वीडियो है दोस्तों, और उसके बारे में कौन कौन सा पूछता है उसके बारे में भी एक मैंने वीडियो बना लिया है। तो दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो और देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप लोग घर पे रहो, अच्छे से रहो और लोक सेवा का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहो। दोस्तों कितने फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप नेपाली में वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो दोस्तों मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि ये हमारा जो YouTube चैनल है, मेरा जो YouTube चैनल वो मतलब हिंदी में ही, मतलब मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाता था, पर नेपाल में जब से आया हूं तब से
घर पे बैठे बैठे मैंने सोचा कि नेपाल का जो लोक सेवा का सिलेबस है उसको क्यों ना कवर किया जाए। तो दोस्तों यदि आई होप कि आप लोगों को हिंदी समझ में आता होगा, लोग इस वीडियो को एंजॉय करते होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपने आने वाले अगले वीडियो में स्टोन सुटेबिलिटी के बारे में, कहां पर हमारा स्टोन सुटेबल है, कहां पर अनसुटेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। ड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे चुनाई करना है हम लोगों को, कैसे पहाड़ में किस तरीके से हम लोग चुनाई करेंगे उसका, कैसे फिनिशिंग वर्क में काम में आता है स्टोन, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके का वीडियो मैं लाता रहूंगा यदि आप लोगों का साथ रहा तो। और ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, ज्यादा से ज्यादा माया देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आई होप दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।